आजा सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजा सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। अपने ही पायलट को मार डाला पाकिस्तानी भीड़ ने, F-16 का इस्तेमाल कर बुरा फंसा पाकिस्तान। अमेरिका ने खड़े किए कई सवाल। बांका में पकड़ा गया पुलवामा हमले का संदिग्ध। पीएम मोदी की रैली में भी गड़बड़ी करने की थी योजना। विजय संकल्प बाइक रैली में सीएम हुए शामिल, कहा 14 सीट जीतकर कमल की माला पीएम को पहनाएंगे। आज की राजनीतिक हलचल। लालू से मिले शत्रुघ्न सिन्हा, बोले जल्द करेंगे राहुल से मुलाकात। मधु कोड़ा ने कहा मोदी कर रहे हैं राजनीति। आज की प्रमुख हेडलाइंस। कृपया ध्यान दें, संथाल सिंह भूम के रेलवे स्टेशनों पर संथाली भाषा में होगी यात्री उद्घोषणा। पशु डॉक्टर घूस लेते गिरफ्तार। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर में हमला करने के बाद पीओके में गिरे पाकिस्तानी विमान F-16 के पायलट को वहां की भीड़ ने भारतीय समझा और पीट पीट कर मार डाला। यह दावा लंदन में रह रहे वकील खालिद उमर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में किया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी उमर के दावे को शामिल किया गया है। इसके मुताबिक F-16 को पाक वायुसेना की 19वीं स्क्वाड्रन का पायलट शहजाउद्दीन उड़ा रहा था। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उमर ने पोस्ट में लिखा है कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर में इजेक्ट करने के बाद पाकिस्तानी पायलट जिंदा था, लेकिन भीड़ ने उसे भारतीय समझा और पीटा। जब उन्हें पता चला कि यह हमारा ही आदमी है तो उसे अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। वह रिटायर्ड एयर मार्शल का बेटा था। दो एयर मार्शल के बेटों ने आसमान में लड़ाई लड़ी, दोनों जमीन पर गिरे, लेकिन एक जिंदा नहीं बचा। पाक सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि हमने भारतीय विमान को मार गिराया और उनके दो पायलटों को पकड़ लिया है। उन्होंने ट्वीट में बताया था कि एक पायलट सेना के कब्जे में है और दूसरा अस्पताल में भर्ती है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पायलटों शब्द का जिक्र किया था, हालांकि बाद में पाकिस्तान ने स्पष्ट किया था कि उनके कब्जे में भारत का एक ही पायलट है। इधर अमेरिकी सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना के हमले के जवाब में F-16 से कार्रवाई करने पर पाक फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका तथ्य जुटा रहा है कि पाक ने भारत पर हमले के लिए उसके F-16 विमान का इस्तेमाल किया है या नहीं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल कोने फॉकनर ने कहा कि F-16 के गलत इस्तेमाल पर वह तथ्य जुटा रहे हैं, फैसला तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा। पेंटागन की डिफेंस सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन एजेंसी के मुताबिक अमेरिका से मिले F-16 विमान का इस्तेमाल पाक दूसरे देश पर हमला के लिए नहीं कर सकता है। आतंकवाद से लड़ाई और राजद्रोह की स्थिति में ही वह इनका इस्तेमाल कर सकता है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। पुलवामा हमले के एक संदिग्ध मोहम्मद रेहान को पुलिस ने बिहार के बांका के शंभूगंज प्रखंड के बिलारी गांव से शनिवार सुबह गिरफ्तार किया। इस दौरान रेहान का पड़ोसी दानुस परवेज उर्फ नौशाद भाग निकला। पुलिस ने रेहान की पत्नी और सास को भी भागलपुर जिले के अकबर नगर प्रखंड के चिचरौन गांव से हिरासत में लिया है। दोनों पर पुलवामा हमले में संलिप्तता का आरोप है। सूत्रों के अनुसार रविवार को पटना में आयोजित पीएम मोदी की सभा में भी गड़बड़ी करने की योजना थी। योजना के अनुसार पटना जाने के लिए कुछ लड़कों की टीम भी तैयार कर ली गई थी। रेहान पशु पालता था और गांव के बच्चों को पढ़ाता था। वहीं नौशाद झारखंड के लड़की एवं पशुओं की तस्करी के अलावा जाली सर्टिफिकेट बनाने के मामले में जेल जा चुके हैं। उस पर 1.5 करोड़ के गबन का भी आरोप है। इस मामले में वह 2 महीने पहले ही दुमका जेल से छुटा है। दोनों बांका में होने वाली नेताओं की सभा का वीडियो बनाकर कश्मीर भेजते थे। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। भाजपा की विजय संकल्प बाइक रैली में बाइक पर सवार होकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधानसभा की परिक्रमा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 सीट पर भाजपा कमल खिलाएगी और 14 कमल की माला पीएम नरेंद्र मोदी को पहनाई जाएगी।
भाजपा के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत देश समेत पूरे झारखंड में विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के टेल्को स्टेडियम से विजय संकल्प बाइक रैली में शामिल हुए। रैली से पहले मुख्यमंत्री ने अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के लिए आह्वान किया और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। भाजपा जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार की बाइक रैली में मुख्यमंत्री हेलमेट पहनकर हाथ में पार्टी का झंडा लेकर विजय संकल्प बाइक रैली में आगे बढ़े। उनके पीछे 5000 से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ता बाइक पर सवार होकर हाथ में पार्टी का झंडा लिए नारा लगाते चल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा देश की राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस और झारखंड की नामधारी पार्टियां परिवार की राजनीति करती हैं। अब नजर डालते हैं आज की राजनीतिक हलचल पर। लालू से मिले शत्रुघ्न सिन्हा और कहा जल्द करेंगे राहुल से मुलाकात। सिने स्टार सह भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलेंगे। इसके बाद ही फैसला होगा कि वह लालटेन को रोशन करेंगे या पंजे से हाथ मिलाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा शनिवार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिलने रांची के रिम्स पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने रांची में आयोजित राहुल गांधी की रैली की खुले दिल से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज तो नहीं, लेकिन जल्द ही राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होगी। भाजपा से नाराज चल रहे शत्रुघ्न सिन्हा पहले भी लालू प्रसाद से मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद से उनके अच्छे संबंध है और उनका हालचाल पूछने आए हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अब संशय बरकरार है कि वह किसके चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। मधु कोड़ा ने कहा कि मोदी कर रहे हैं राजनीति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान अभिनंदन की वापसी को लेकर भाजपा को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मधु कोड़ा की माने तो सरकार के सिस्टम में ही खामियां हैं। यही वजह है कि भारत के कई जवानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर सरकार चाहती तो अपनी रणनीति के तहत इस घटना को टाल सकती थी। ऐसे में इस मुद्दे को अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर मोदी राजनीति कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। कृपया ध्यान दें, संथाल सिंहभूम के रेलवे स्टेशनों पर संथाली भाषा में होगी यात्री उद्घोषणा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, संथाल परगना और पूर्वी सिंहभूम जिलों में रेलवे स्टेशनों पर अब संथाली भाषा में उद्घोषणाएं होंगी। आखिरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल रंग लाई। अब रेलवे ने इस बाबत निर्देश जारी कर दिया है। इस बारे में बीते 27 फरवरी को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर जनमानस की मांग सहित आग्रह भेजा था। बहरहाल रेलवे की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। पशु डॉक्टर घूस लेते गिरफ्तार। पलामू एसीबी की टीम ने शनिवार को पशुपालन विभाग के अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर घनश्याम प्रसाद को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। वह रिटायर्ड अनुसेवक से उनके पावना भुगतान के नाम पर 6000 रुपए घूस ले रहे थे। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।